हेलो एवरीवन वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल इस वीडियो में हम हो सर्विस कंपनी की डिटेल एनालिस करने वाले हैं इस कंपनी की शेयर प्राइस पैंतीस रुपये पच्चीस पैसा है और एक दिन में ऑलमोस्ट 20 परसेंट की तेजी देखने को मिली पिछले पाँच दिन में सात परसेंट के नेगेटिव रिटर्न पिछले एक महीनों में सत्रह परसेंट के नेगेटिव रिटर्न छः महीनों में सैंतीस परसेंट के नेगेटिव रिटर्न पिछले एक साल में इक्कीस परसेंट के नेगेटिव रिटर्न पाँच सालों में पिचासी परसेंट के नेगेटिव रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो अस्सी परसेंट के नेगेटिव रिटर्न दिए तो क्या इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए तो स्टार्ट करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल एनाल जैसा कि यहाँ देखते हैं ये जो कंपनी है इंगेज इन द बिजनेस प्रोसेस आउटकम सोर्सेज इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रही है यानी ये जो कंपनी है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड सर्विस कॉर्पोशन इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर आई में भी वर्क कर रही है मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्लाइजेशन चवालीस करोड़ का है स्टॉक का लो अट्ठाइस रुपये स्टॉक का ही चौहत्तर रुपये स्टॉक का पी दस पॉइंट एक है बुक वैल्यू बीस रुपये डिविडेंट जीरो है कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं दे रही है आर काफ़ी कम है चार परसेंट रिटर्न ऑन इक्विटी तीन परसेंट है फेस वैल्यू दस रुपये की है इंडस्ट्रीज का भी ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन है परमोटर होल्डिंग पचास परसेंट है और डेप्ट की बात करें तो दो करोड़ का डेप्ट देखने को मिला है इसी के साथ साथ यहाँ बात करें कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट पर तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिज़ल्ट काफ़ी डाउन होते हुए देखने को मिला 1.61 करोड़ से 0.49 करोड़ का प्रॉफ़िट हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो काफ़ी टाइम से लॉस देखने को मिला था अभी कंपनी का जो प्रॉफिट है बढ़ते हुए देखने को मिला 2.57 करोड़ 2.15 करोड़ से 4.36 करोड़ रिजर्ट्स की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट कंटिन्यूस गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं और कंपनी का बोरिंग्स की बात करें तो कंपनी पे दो करोड़ का कर्ज भी है इसी के साथ साथ यहाँ बात करें प्रमोटर होल्डिंग की तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास 50 परसेंट के स्टैक्स है और बाकी पब्लिक होल्डिंग 49 परसेंट देखने को मिल रही है यानी ऑल ओवर इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स है काफ़ी वीक देखने को मिल रहे हैं बीएससी पर इस स्टॉक के एनालिज़ करते हैं तो आप देख सकते हो कि कंपनी ने कब डिविडेंड बोनस स्टॉक स्प्लिट किया है जैसा कि दो 2011 में कंपनी ने दो रुपये पर शेयर डिविडेंट दिया है उसके बाद कंपनी ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है तो अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो जिस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है और साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी वीक है तो ऐसी कंपनी में आपका पैसा डूब सकता है तो अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए थैंक यू दोस्तों